गुरु जी को अलग आदेश मां भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज दूसरी महाविद्या मां भगवती देवी तारा का आठ मंत्र आपको मैं दूंगा आठ ऐसे मंत्र जिसका प्रयोग आप डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की पराशक्ति को अपने जीवन में किसी और के जीवन में किसी के घर से किसी के व्यवसाय से या किसी के ऊपर अगर कोई प्रेत बाधा हो उसको हटाने के लिए तांत्रिक और मांत्रिक साधना में यही एक अंतर होता है मांत्रिक साधनाएं जो होती हैं वो सिर्फ मंत्र पे चलती हैं उनमें यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है और जो तंत्र का साधना तो विशुद्ध तंत्र साधना है उसमें यंत्र बनाना जरूरी होता है ये ऐसे मंत्र हैं जो आप सीधा भी प्रयोग करेंगे तो उनका असर उतना ही होगा जितना एक सिद्ध आ, यंत्र और तंत्र का होता है अंतर होता है फल में फल का प्रभाव में अंतर होता है कि ये अल्प समय तक काम आएगा इसके साथ आपको एक यंत्र बना के देना होगा जो भी जातक है उनको तो जैसे अब जब तारा की हम बात करते हैं तो तारा का एक यंत्र बनता है जो लोग तारा की पूजा करते हैं उनको पता है कि एक यंत्र बनाया जाता है और उसमें शाक शाक कोने बनते हैं ठीक है उसमें फिर शब्द अंकित होते हैं काम खम गुम गाम ग्रम छाम छम जम तम ज्राम दाम दम दौम दाम काम इस तरीके से अलग अलग ओम छाम इस तरह से अलग अलग शब्द उसमें डाले जाते हैं ये जो यंत्र भगवती का बनता है जो ये जो शब्द इसमें हम लोग लिखते हैं उस शब्द के लिखने ही से ही बहुत ताकतवर ऊर्जा का एक प्रादुर्भाव और एक प्रवाह होता है ये यंत्र सिर्फ अगर आदमी बना करके पहन ले वो कभी और किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो लोग किसी तरीके के बीमारी से परेशान हैं जिनको स्किन डिजीज़ है कोई किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा स्लो है कोई ऐसा है जो कि अमीर से सीधे गरीब हो गया हो ऐसे लोग अगर इस यंत्र को धारण करते हैं तारा का जो विधान के साथ बना हो तो काफ़ी लाभ होता है तारा की साधना की क्यों की जाती है तारा की साधना इसलिए क्यों की जाती है क्योंकि अगर आपको आद्या सिद्ध करना है तो तारा पे आपकी पकड़ होनी चाहिए देखो जब आद्या की सिद्धि होती है वो परम है उसके ऊपर कुछ नहीं है ठीक है आद्या सिद्ध करने में देवी मंडल बनता है और देवी मंडल में तारा का एक अपना स्थान है इसीलिए हम लोगों को तारा सिद्ध करना होता है आद्या इस जीवन में आपको सिद्ध होगी कि नहीं होगी ये चाहे तो गुरु बता सकते हैं या फिर अगर आप कर्ण पिचाशनी की साधना करते हैं तो कर्ण पिचाशनी आपको बता सकती है कि आपको आद्या की सिद्धि इस जीवन में करनी है कि नहीं करनी है तो चलो शुरू करते हैं कि अगर आपको ये आठ मंत्रों का प्रयोग करना है तो कैसे करना होगा ठीक है अगर किसी पे वशीकरण हुआ है तो माँ भगवती का ध्यान करना जो मैंने बताया हृदय में माँ का ध्यान करते हैं कि माँ स्मशान में बैठी हुई है मुंडमाल धारण करके और उनके मुख से खून टपक रहा है र, और रत्न आसन है और रत्न उन्होंने धारण भी कर रखा है ऐसी माँ भगवती की कल्पना करना अगर किसी के पे वशीकरण किया हुआ है तो माँ को लाल रंग में देखना उनको लाल रंग में सोचना किसी पे स्तंभन किया हुआ है क... स्तंभन हटाना है तो माँ भगवती का जो ध्यान होगा वो गोल्डन कलर में होगा सुनहला किसी पे मारन प्रयोग हुआ उसको बिल्कुल खत्म करने का प्रयोग किया गया है तो माँ को काला रूप में देखोगे अगर किसी पे उच्चाटन हुआ हुआ है तो उसको ग्रे कलर के रूप में देखना ठीक है और अगर कहीं शांति के लिए इसका प्रयोग करते हो कि बहुत ज़्यादा वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है ठीक है तो फिर वहाँ पर सफेद रूप में माँ को ध्यान करना देखो जब किसी पे वशीकरण हुआ है तो वशीकरण हो गया है ठीक है वशीकरण को काटना बहुत मुश्किल होता है तो माँ को प्रार्थना किया जाता है एक बार माँ को देख लिया कि हे माँ ये जो वशीकरण हुआ है इससे मेरी कुंडली को कुंडलिनी शक्ति को वश में करने का अब प्रयोजन में लाया जाए और कुंडलिनी शक्ति मेरे मूलाधार से उठ करके मेरे शिव से मिल जाए कहीं अगर स्था स्तंभन किया हुआ है तो बोलना है कि हे माँ भगवती ये जो स्तंभन मुझ पे किया हुआ है ये अब मेरे व्यापार और मेरे परिवार से हट करके मेरे जो विचार हैं जो कुचार हैं उसको स्तंभित कर दें किसी पे मारन किया हुआ है ठीक है तो उसको बोलना है कि हे माँ जो मेरे शरीर पे मारन है ये मेरा अज्ञानता का मारण कर दे ये मेरे पांचों जो सेंस हैं उसका मारन कर दे ताकि मैं लोभ मोहन वहाँ माया से दूर हो जाऊँ किसी को चाटन किया हुआ है ठीक है तो उनको वहाँ बोला है हे माँ मुझ पर जो उच्चाटन हुआ हुआ है वो मेरे मस्तिष्क के बदले जो चीज़ें मेरी साधना और मेरे विद्या में रुकावट डालनी है उनको उच्चाटन कर दे और अगर शांति के लिए कर रहा है सब कुछ के लिए तो माँ को बोलना है हेमा मुझे शांति प्रदान करो मेरे आसपास जो जीव जानवर हैं उनको भी शांत करो ठीक है ये करना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि अगर इस तरीके से माँ का ध्यान नहीं करके और आप सीधे तंत्र काट करोगे तो फिर ये होगा कि वो जो कर्म है वो आपको देखना पड़ेगा अगर आप बहुत मजबूत हैं वो कर्म देख सकते तो ठीक है नहीं तो इस तरीके से जो तंत्र है उसको हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं ठीक है अब सुनो मंत्र एक एक करके मंत्र बोल रहा हूँ लिखते जाओ पहला मंत्र है ओम त्रिम ह्रिम हुम हुम फट ठीक है सात अक्षर का मंत्र है जो ब्रह्मदेव ने मातारा की उपासना में प्रयोग किया था ओम त्रिम फ्रिम हुम रिम हुम फट दूसरा मंत्र सुनो एम रिम श्रिम क्लिम सह हुम उग्र तारे हुम फट एम रिम श्रिम क्लिम सह हुम उग्र तारे हुम फट तीसरा मंत्र ओम हुम ह्री क्लिम सह हुम फट ओम हुम क्लिम सह हुम फट।, फट ये जो दो मंत्र है ये विष्णु भगवान द्वारा माँ तारा की उपासना में प्रयोग होता है चौथा मंत्र है माँ भगवती का ऐ्री श्री क्लिम स्त्रीम सौ हुम उग्रताे हुम फट और पांचवा मंत्र है ओम हुम ह्री क्लि हसौ हुम फट ये मंत्र भी ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है छठा मंत्र चार अक्षर का है और आसान है जो आप लोगों को जल्दी याद होगा ओम ह्रीम हुम फट इस मंत्र का प्रयोग आप ज्यादा से ज्यादा करिए ठीक है सातवां मंत्र है, त्रिम हुम ह्रिम हुम फट त्रिम हुम ह्रिम हुम फट इसी में थोड़ा उग्र जो होता है वो उग्र मंत्र है त्रिम हुम फट क्लिम एम, त्रिम हुम फट क्लिम एम, ठीक है तो ये जितने भी मंत्र हैं ये सारे जो मंत्र हैं ये ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा दिए गए हैं भगवती के उपासना के लिए ठीक है इन सारे में जो ऋषि ध्यान होगा वो शक्ति शक्ति ऋषि होगा गायत्री छंद होगा और तारा देवता होगा ठीक है तो बहुत आसान है इन सब मंत्रों से जो डेली के जीवन में जो भी परेशानियाँ आती हैं उनसे लड़ना आपके जीवन में भी अगर कुछ परेशानी आ रही है आपको लगता है कि आपके व्यापार पे स्तंभन है या आपके घर में किसी तरीके का प्रयोग किया गया है तो जिस रंग में भगवती को बोला है उस रंग में ध्यान करो जो क्रिया है उस क्रिया का अगला क्या प्रयोग होना चाहिए वो देवी से अर्चना करो और उसके बाद जो है मंत्र जाप करो अब हर बार ये बताने की बात नहीं है कि जो पंचोपकार पूजा है भगवती की वो होगी ठीक है आज के लिए इतना ही जिसको बेसिक साधना से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से, से जुड़ सकता है नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें जो बेसिक साधना होता है आसन बंधन दिशा बंधन ये हम सिखाते हैं जिसको डायरेक्ट बात करना है कॉल मी फॉर पे बात कर सकते हैं उसमें मेरा आई है रुद्रनाथ एट सी एम फोर प्ले स्टोर और हर जगह से हम डाउनलोड कर सकते हैं उसको डायरेक्ट बात करने के लिए नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव बहुत आवश्यक हो तो इस पर व्हाट्सएप में माँ तारा आप सभी को सुरक्षित रखें और खुशहाल रखें ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सभी बाधे चारे अला खाए